नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। जी मैं सोनिया हूँ और ये मेरी बेटी सपना है। इसकी मारकर हत्या कर दी गई है। ये पढ़ती थी नोएडा में सेक्टर 115 आर्स कन्या गुरुकुल सोरखा गांव में। इस गुरुकुल का मालिक है जयेंद्र कुमार आचार्य, जिसने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसको पंखे से लटका दिया गया है। और उसके बावजूद ना उसका कोई पोस्टमार्टम ना उसकी कोई पुलिस कंप्लेंट, और उन्होंने दाह संस्कार करवा दिया। हमें धोखे से बुलाकर, हमारे फोन छीन कर, हमारे इस तरीके से हमें टॉर्चर कर, यहाँ तक उसका अत्याचार खत्म नहीं हुआ। उसके बावजूद हमने ऐसे तैसे करके कंप्लेंट तो कर दी है, 302 का मुकदमा भी दर्ज हो गया है, पर वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है, जिसका 302 का मुकदमा अगर किसी गरीब आदमी का हो जाता है तो उसे तुरंत पुलिस पकड़ के ले आती है, पर उसको पुलिस पकड़ के नहीं ला रही है। पुलिस कह रही है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। किस चीज की इंक्वायरी हो रही है? मेरी बेटी का अंतिम संस्कार कर चुके हैं वो, उसकी चीजें को जला चुके हैं, उसकी चीजों को फेंक चुके हैं। किस चीज की इंक्वायरी हो रही है? कौन से सबूत जुटते जा रहे हैं? अब बताइए योगी जी, मैं आपसे पूछती हूँ, जिस बेटी की 14 साल की बच्ची की हत्या कर दी जाए इस तरीके से और उनके आरोपी खुले घूम रहे हैं, तो आप क्या कहोगे इस बारे में? एक माँ को हक नहीं है उसकी बच्ची के लिए न्याय पाने का? एक माँ नहीं चाहती कि उसकी बच्ची को न्याय मिले, या आप नहीं चाहते हो? सब कहते हैं योगी जी के पास जाओ, योगी जी के पास जाओ, योगी जी ये करेंगे, योगी जी आपकी सहायता करेंगे। योगी जी आपको पता नहीं है क्या, हम आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि हम गरीब आदमी है, आपसे मिला नहीं जाता हमें, आपसे सिर्फ बड़े आदमी मिल सकते है। हम आपके पास कैसे यार कैसे मिले ये बताइए आप ना, हमें आपके पास आने दिया जाएगा क्योंकि हमें बीच में ही रास्ते में इस तरीके से मरवा दिया जाएगा, हमें पता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना मेरी नोएडा पुलिस कोई सहायता कर रही है। मैं योगी जी से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची के केस में सीबीआई जांच बढ़ाई जाए, और मेरे को सीबीआई जांच के लिए आप करवाइए मेरी सहायता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं सीबीआई जांच कर सकूं। मैं एक गरीब परिवार से हूं और मेरे सर पे भी कोई नहीं है सिवाय मेरे 3 बच्चे, और इनमें से भी भगवान उन्होंने एक छीन ली मेरे पास। मेरी मदद कीजिए योगी जी, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, ना ही मेरे पास कोई वकील है जो मैं उससे पैरवी करवा सकूं, ना ही मेरा कोई पुलिस प्रशासन मेरी मदद कर रहा है, मेरा कोई भी मदद नहीं कर रहा है। आप कोशिश कीजिए योगी जी, आप कुछ सब कुछ कर सकते हो योगी जी, आप कीजिए। मैं एक आम जनता से पूछती हूँ, अगर किसी बच्ची के साथ ये सब हो जाए तो आप क्या करोगे? कभी सुना है कि पुलिस अधिकारी की बच्ची के साथ ये हुआ है? कभी नहीं। किसी मंत्री की बच्ची के साथ ये हुआ है? नहीं। पर किसी गरीब की बच्ची के साथ ये हुआ, ये होता है, हर बार हो रहा है। पिछले दिनों निर्भया के साथ ये हुआ था, उसकी माँ दर बदर भटक रही थी, आज ये सपना के साथ हुआ, आज मैं दर बदर भटक रही हूँ, क्योंकि आरोपियों को पुलिस छूट देती है, क्योंकि पुलिस सिर्फ पैसे वालों की है, पुलिस गरीब आदमी की नहीं होती है। अगर पुलिस अगर गरीब आदमी की हो जाए ना, तो पैसे वालों की इतनी ताकत नहीं बढ़ेगी, इतनी आरोपियों की ताकत नहीं बढ़ेगी कि किसी बच्ची को, किसी अबला को इस तरीके से वो सताए और इतना उनका जोर बढ़ जाए, ये नहीं होगा। पर पुलिस प्रशासन सिर्फ पैसे का है, सिर्फ पैसे वालों का पुलिस प्रशासन है, गरीब आदमी का पुलिस प्रशासन नहीं है। हमें तो सताया जा रहा है। आज मेरी बेटी को 1 महीना 7 दिन हो चुके रहा और आरोपी खुले घूम रहे हैं, जिसके 302 का मुकदमा लग चुका है। जो आरोपी एक 14 साल की बच्ची को जान से मार दिया उन्होंने रेप कर कर, और वो आरोपी खुले घूम रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है योगी जी, ये कहाँ का न्याय है? अगर आप इस बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो सीबीआई जांच बैठाइए योगी जी, सीबीआई जांच बैठाइए, जब ही मेरी बच्ची की सारी सुरक्षा से न्याय मिल पाएगा, उन 200 बच्चियों को न्याय मिल पाएगा। वहां पर 200 बच्ची और भी है, उनको भी कल हो सकता है, फिर अगले दिन एक माँ और खड़ी मिलेगी, अगर आपने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो। इसलिए मैं कहती हूँ योगी जी आपसे हाथ जोड़कर यही है कि मेरी बच्ची के लिए सीबीआई जांच बैठाई जाए, इसे न्याय दिलवाया जाए, इसे न्याय दिलवाया जाए जी।